वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सीन ये है कि आज चल रहा था पहली सैरी का हमारा मैच, और वैसे रोज़ चलता है ये, आप देख रहे हैं शान से रोज़ खड़ा हुआ है, और ये शुएब जमाल आब्दी आशी की 3 वीडियो वायरल हुई थी जिनके साथ, बाकी मुज्जी भाई वो खड़े में, मुज्जी भाई की असल में हो गई ये गाड़ी ख़राब, क्योंकि हम लोग 2-3 घंटे से हम लोग वहीं थे, और अभी देखते हैं क्या सीन है, सैरी भी होने वाली है, आज का मैच देखते हैं, घंटे में अगर ख़त्म होगा तो सही है, वरना फिर कल खेलेंगे। अभी ये मैच चल रहा है दूसरी टीम का, उसके बाद हम खेलेंगे। भाई मुझे भाई आपकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, क्या किया आपने ऐसा? गाड़ी ख़राब नहीं हो गई थी, गाड़ी को नज़र लग गई थी, ख़राब नहीं होती गाड़ी, हमेशा नज़र लगती है गाड़ी को, लेकिन काला रंग भी बाज नहीं आता, लेकिन गाड़ी में उन्होंने फिर मुझे बिठाया, तो बैठ के 7 चक्कर लगवाए गाड़ी को, नज़र बटकू नज़र आती थी गाड़ी स्टार्ट। अगर आपकी गाड़ी को भी नज़र लगे तो पहले कॉल करें, लेकिन मैं पेट को ऑपरेशन लेता हूँ। बिल्कुल हकीकत है भाई, बहुत टिका हुआ सर है इसका, ना मिर्चा सर करती ना नींबू। और ये लोग मैच खेलने आते हैं अपनी बेबीज से लग जाते हैं। ये देखे आप, ये देखे कौन बैठा हुआ है, ये मोहित शेर, ये टोपियाँ कराते रहते हैं बस हमें। भाई ये आए थे हमारे साथ मैच खेलने, और इसने पार्टी बदल ली, और ये सामने वाली टीम के साथ हो गया, मतलब आप कल हमसे हार गए तो आप आज ने पार्टी बदल लिया, आप तो राटे काट रही हो ओम फो। नाजरीन कराची से लोग, अंदरूनी सिंध से लोग अपनों में इन जा रहे हैं, देख लो, रेडी कम ऑन एक्शन, एक्शन। तो यार आज है पहली सहरी, और आप देख सकते हैं कराची में किस तरह क्रिकेट चल रही है, तो रमज़ानों में क्रिकेट बहुत जुनून है कराची में, लेकिन बात सर ये है कि हर बंदे ख्याल करें, इज्जत दें, लोगों को परेशान ना करें किसी को, यार भाई साइड पर हो जाना यार, और दूसरा यार ये लोगों से बहुत इज्जत तमीज़ से प्यार से बात करें, किसी को गुस्सा ना करें, बोले बात से बात करें लोगों से, भाई समझ नहीं पाते तुझे साइड पर, तो बात ये है कि आप हर बंदे से प्यार करें, इज्जत दें इंसान को, किसी से बदतमीजी ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, रमज़ान का महीना है, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। भाई आपको कैसा लग रहा हार के? मेरा मैच थोड़ी था, उनका मैच था, फिर भी खेलना था, बड़ा वादा टीम में। ये रॉयल एक्स, ये भी रॉयल एक्स, और ये एप्पल वॉच, लेकिन मैं माशाल्लाह इतना वीर हूँ, और ये मेरे दो दोस्तों की, एक मेरी बैटिंग आ गई है इस वक्त हमारी, मुझे जा रहे हो ओपनर, और इज्जत के ऊपर बात है, समझ रहे हो, ये जीड़ी जी नागिन निकाली, नाजिन हमारी बैटिंग आ चुकी है, अब देखते हैं कौन जीतता है। और ये मुझी भाई की पहली बॉल, मुझी भाई नौरा फतेह वाला शेप दे रहे हैं इस वक्त, बुरा लगता है भाई आप, ओ मुझी के मारी बॉल, भागो भागो, उबैद आउट हो गया, रो रहा है, और ये आउट हो गया, मैं जाऊंगा, मैं बॉल ऊपर पाकिस्तान, उन्होंने आजाद कर दिया, आउट हो गया, आ गए पहले रन का टारगेट 6 रन का, तैयारी इन्होंने बहुत भरपूर करी थी, मगर ये आउट हो गया, घर का आउट है, बैटिंग जो है हमारी खत्म हो चुकी है, 54 का टारगेट है, माशाल्लाह हमारे सारे प्लेयर्स जो है आउट हो चुके हैं, कोई ऐसा नहीं था जो बच गया हो, असद बच गया था बस, ओके सर और बोले, तो अभी फील्डिंग सेट हो रही है, उसके बाद देखते हैं कौन जीता है, और 11 बॉलों पे भी चाहिए, 29 रन चाहिए लोगों को जीतने के लिए, वही हमारे बॉलर ने 1-2 बॉलों पे 2 आउट कर दिए, और इनके आखिरी पीरियड चल रहे हैं, भाई मैच जो है हम लोग जीत चुके हैं, और मुझी भाई सब है आज बहुत बेहतरीन खेला है हम लोगों ने, कितने रन से जीते हैं हम लोग? 23 रन से जीते हैं, देख रहे हैं आप लोग, 24 रन से हम लोग जीते हैं, मुझे क्या क्या कहना चाहेंगे आप, मुझी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस बता दिया तो करना, 24 का नंबर दिया, आपस की बातें बहुत गंदा दो, हमारे बॉयज जो है वो जा रहे हैं, सही है भाई, फहद भी आ गया लेकिन इसका टूट चुका है चश्मा,
ये वाली सामने वाली टीम से खेल रहा था जब इसके साथ ये हुआ। अगर ये हमारे साथ जीतता ये आज का मैच जीता हुआ था। मैं जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, सहरी करनी है और पहली सहरी के बाद हम लोग मिलते हैं। और स्टेटस सब कोई लगाए, सब लगाना नहीं भूले, फर्स्ट सहरी डल। ओके हम लोग घर जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। शहरी के टाइम पर कल सीन ये हुआ कि शरोजों की गाड़ी ख़राब हो गई, वो लोग भी देर में आए काफ़ी। शहरी से 5 मिनट पहले हम लोग घर आए और गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई। अभी गाड़ी वाले के पास जाना है, किसी को देखना, वायरिंग का मसला आ गया, गाड़ी में स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हम लोग आए 5 मिनट पहले। अब मैं उठाऊँ, जोर की नमाज़ वगैरह पढ़ी है तो असर का टाइम होने वाला है, तो अभी असर की नमाज़ पढ़ के फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम गाड़ी वाले के पास जाएंगे, गाड़ी सेट करवानी है क्योंकि रात में वो लोग आएंगे, गाड़ी छोड़ के गए हैं तो उनकी गाड़ी भी सेट करवानी ज़रूरी है। तो कोशिश यही कर रहा हूँ मैं कि डेली व्लॉगिंग करूँ, और डेली व्लॉग का मतलब यह है कि व्लॉग तो बन जाता है लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाती है, सारा मसला एंड में आ जाता है एडिटिंग पर। तो कोशिश हमारी यही है कि डेली व्लॉगिंग करें हम लोग और जल्द से जल्दी वीडियोज़ डालें। वाले हाथ से गजब बेइज्जती है। और अभी जो है बच्चों से अफ्तारी बंटवा रहा हूँ मैं अपने घर की। तो राटे काट रही है ओम थो। पहला रोजा रख लिया आज इस मेरे छोटे भाई ने। नहीं है कि कल शरोज लोग की गाड़ी जो है ख़राब हो गई थी, वो अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के गए, मुझे कह के गए भाई सही करवा लेना और बाइक ले गए। तो अभी जाना अफ्तारी करके बाद सबसे पहले उनकी गाड़ी ठीक करवानी है ताकि वो लोग रात में आए। क्रिकेट का सीन है और क्रिकेट का सीन ऐसा है कि हफ्ता इतवार क्रिकेट होगी क्योंकि हफ्ता इतवार को मेरी छुट्टी होती है, रात में ऑफिस जाना है ज़रूरी। तो समझ रहा हूँ, उसके बाद दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ रमज़ान में डेली व्लॉगिंग करें और उसके बाद भी कोशिश पूरी यही करेंगे कि डेली व्लॉगिंग और एडिट भी हाथ के हाथ हो जाए। रोज़ा लग रहा है ना तुम्हें? दांत कैसे हो गए? हाँ तो भाई रोज़ा खुलने में 1 मिनट बाकी है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और कोशिश करेंगे डेली व्लॉगिंग करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।